नमस्कार, विगिबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान डेवलपर को चेतावनी दे दी है कि उसके भवन का हाल नोएडा के सुपरटेक ट्विन टॉवर जैसा हो सकता है। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का एक बयान राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि एनसीपी और कांग्रेस की मदद से एक चूहा पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा है। वहीं पुणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के नशा मुक्ति केंद्र में मामूली विवाद के कारण एक शख्स की हत्या कर दी गई है। तो उधर शिवसेना ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। सामना में शिवसेना ने कहा कि गणपति बाप्पा देश को निर्भय बना दो, देश की जनता की आज आपसे यही दुआ है। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ सरकार के जुल्म से देश का दम घुट रहा है। इसी बीच औरंगाबाद जिले के सरकारी स्कूल के बच्चे जापानी सीख रहे हैं। हर स्तर पर इसे सराहा जा रहा है। प्रदेश के इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाए गए स्टे का उल्लंघन करना मुंबई एक रियल एस्टेट डेवलपर को भारी पड़ सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान डेवलपर को चेतावनी दी है कि उसके भवन का हाल नोएडा के सुपरटेक ट्विन टॉवर जैसा हो सकता है। शीर्ष न्यायालय के आदेश के बाद 28 अगस्त को ट्विन टॉवर को गिरा दिया गया था। डेवलपर की तरफ से निर्माण पर लगी रोक से राहत देने पर जोर दिया जा रहा था। इसके बाद कोर्ट ने ट्विन टॉवर का जिक्र किया। दरअसल इंटीग्रेटेड रियलिटी प्रोजेक्ट्स की तरफ से पेश हुए एडवोकेट राम सुब्रमण्यम का कहना था आर्किटेक्ट्स की तरफ से रिपोर्ट आने तक निर्माण पर लगी रोक से राहत दी जाए। वही मामले की सुनवाई पर रही चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस MS कर्णिक की बेंच ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा इंतजार करें, आपको सुपरटेक जैसे हाल का सामना करना पड़ सकता है। बेंच एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया था कि डेवलपर उपनगरीय खार में खेल के दौरान के लिए आरक्षित जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। अदालत ने पिछले हफ्ते एक आर्किटेक्ट को उस स्थल का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया था जहां डेवलपर ने उच्चतम न्यायालय में 1995 के आदेश का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य शुरू किया था। अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। शिवसेना में बगावत के बाद से ही काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे शिवसैनिकों को एकजुट करने के लिए राज्य भर के दौरे पर है। इसे लेकर ही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने आदित्य ठाकरे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि NCP और कांग्रेस की मदद से यह चूहा पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा है। राणे के इस बयान से सियासी संग्राम शुरू हो सकता है। बता दें कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे राज्य भर का दौरा कर रहे हैं। वह इस दौरान शिवसैनिकों और नेताओं से मिल रहे हैं। इसे लेकर ही नारायण राणे ने अपने ही अंदाज में आदित्य ठाकरे के दौरे की आलोचना की है। साथ ही उन्होंने शिवसेना की दशहरा रैली को लेकर भी शिंदे समूह का पक्ष लिया है। राणे ने कहा कि एकनाथ शिंदे अपने काम की वजह से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि दशहरा रैली होगी तो वह एकनाथ शिंदे ही करेंगे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे दशहरा रैली में बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा। राणे के इस बयान पर राजनीतिक घमासान तय माना जा रहा है। दशहरा रैली को लेकर उद्धव ठाकरे गुट का अपना दावा है और वह इसे परिवार का पारंपरिक हिस्सा बता रही है। वही शिंदे गुट ने इस रैली को हाईजेक करने की योजना बनाई है। पुणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ के नशा मुक्ति केंद्र में मामूली विवाद के कारण एक शख्स की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि तौलिए से गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुणे के सियागढ़ रोड पर स्थित नशा मुक्ति केंद्र में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की तौलिए से गला घोटकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान अजिंक्य सुरेश गुलमिरे के रूप में हुई है। वह सोलापुर का रहने वाला था। पुलिस ने इस मामले में सौरभ गणेश सावले वर्ष 21 को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोथरूड का रहने वाला है। धीरी के लाइगुड़े इंडस्ट्रियल इस्टेट क्षेत्र में एक संस्था द्वारा नशा मुक्ति केंद्र चलाया जाता है। गुलमिरे और सावले को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन दो दिन पहले मामूली बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। कल सुबह दोनों ने फिर से बहस हो गई, जिसके बाद सावले ने गुलमिरे का तौलिए से गला घोट दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई। इससे पहले भी एक नशा मुक्ति केंद्र में एक शख्स ने युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके पीछे के कारणों को तलाशने के लिए पुलिस गुट में जांच कर रही है।
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से शुरू हुआ राजनीतिक घमासान अब तक जारी है। शिवसेना और भाजपा के बीच जुबानी जंग शुरू है। साथ ही शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इस बार शिवसेना ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा कि गणपति बाप्पा देश को निर्भय बना दो, देश की जनता की आज आपसे यही दुआ है, उसे स्वीकार करें। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ सरकार के जुर्म से देश का दम घुट रहा है। कोरोना संकट भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उत्पीड़न का संकट अभी भी बना हुआ है। शिवसेना ने कहा कि गणपति बाप्पा आप सुखकर्ता हो, विघ्नहर्ता हो, अब दम घुट रहा है। सामना में कामना कर कहा कि देश को निर्भय बना दो, देश की जनता की आज आपसे दुआ है, उसे स्वीकार करें। शिवसेना ने सवाल पूछा कि राज्य और देश के सत्ता पर बैठे हुए हिंदू त्योहारों की मुक्ति का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन क्या वाकई देश में माहौल उदार बना हुआ है? सत्ता और जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दलों, नेताओं, सरकार के आलोचकों को दबाया जा रहा है। राज्य में गैर बीजेपी सरकारों को हर संभव तरीके से बर्खास्त किया जा रहा है। केंद्र में सत्ताधारी दल के अध्यक्ष क्षेत्रीय दलों का नामांकन खत्म करने की बात कर रहे हैं। औरंगाबाद जिले में सरकारी स्कूल के बच्चे जापानी सीख रहे हैं। दूरदराज इलाके में स्थित इस स्कूल के बच्चे भले ही कम सुविधाओं के साथ जीते हैं, लेकिन रोबोटिक्स और प्रौद्योगिकी सिखाने की ललक से कई बच्चों ने जापानी भाषा सीखनी शुरू कर दी है। पिछले साल सितंबर महीने में सरकारी स्कूलों ने चौथी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए एक विदेशी भाषा के चयन का विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके तहत स्कूल के 70 बच्चों ने जापानी भाषा के अध्ययन का चयन किया। इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से चल रही क्लासों और अनुवाद की सहायता से बच्चों ने काफी कुछ सीख लिया है। स्कूल के टीचर दादा साहब नवपूत ने बताया कि अधिकांश बच्चों ने कहा कि वे रोबोटिक्स और प्रौद्योगिकी में रुचि रखते थे और जापानी भाषा सीखना चाहते हैं। दादा साहब नवपूत ने आगे बताया कि जापानी भाषा सीखने के लिए कोई उचित पाठ्यक्रम सामग्री और पेशेवर मार्गदर्शन नहीं होने के बाद भी स्कूल प्रशासन इंटरनेट पर वीडियो और अनुवाद से जानकारी जुटाने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि कुछ छात्रों के पास मोबाइल फोन न होने के कारण थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्कूल ने विश्वमित्र पहल प्रारंभ किया है, जिसके तहत बच्चे ऑनलाइन क्लास में जो भी सीखते हैं वो अपने साथी छात्रों को भी सिखाते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पटना पहुंचकर भाजपा मुक्त भारत के लिए एकजुट होने का आग्रह किया, लेकिन नीतीश कुमार के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक कर्मचारी हैं और वे केंद्र सरकार द्वारा 2009 में संशोधित पेमेंट ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी के हकदार हैं। वही देश में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों में बड़ी कमी की गई है, हालांकि घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई कमी नहीं हुई। तो उधर उत्तराखंड के एक गांव की तस्वीर 30 महिलाओं ने बदल दी है। गांव छोड़कर बाहर कमाने गए लोग भी उनके होम स्टे योजना से आकर जुड़ने लगे हैं। इसी बीच NIA ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके डी कंपनी गैंग से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने पर नगद इनाम की घोषणा की है। इसमें अकेले अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख का इनाम है। देश भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पटना पहुंचकर 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की और भाजपा मुक्त भारत के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। हालांकि अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने सबसे मुश्किल हिस्से को छोड़ दिया। उनसे जब पूछा गया कि क्या अगले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। KCR ने कहा कि नीतीश कुमार देश भर में सबसे वरिष्ठ और सबसे अच्छे नेताओं में से एक है। हम बाद में इन चीजों को तय कर सकते हैं। बता दें कि KCR ममता बनर्जी के साथ भाजपा के लिए खड़े अधिक मुखर क्षेत्रीय चेहरों में से एक है। वे राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी संघीय मोर्चे की वकालत करते रहे। नीतीश कुमार के अलावा उन्होंने डिप्टी CM तेजस्वी प्रसाद यादव और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से उनके घर पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लालू प्रसाद ने कहा कि 2024 में सब मिलकर भाजपा का रथ रोकेंगे, इसमें KCR की भूमिका बेहद अहम होगी। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन का जो प्रयोग किया गया है वह आने वाले समय में व्यापक स्वरूप लेगा। विपक्ष की बढ़ती ताकत से भाजपा में बेचैनी है। बिहार ही नरेंद्र मोदी के अभियान पर ब्रेक लगाएगा। राव ने कहा कि देश को बचाने के लिए भाजपा को सत्ता से हटाना आवश्यक है। 2024 में भाजपा की विदाई होगी। लोग परेशान हैं, देश की अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है और इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है।
प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक कर्मचारी हैं और वे केंद्र सरकार द्वारा 2009 में संशोधित ग्रेच्युटी के हकदार हैं। बता दें कि पीजी अधिनियम 16 सितंबर 1972 से लागू है। इसके तहत उस कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ देने का प्रावधान है जिसने अपनी सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या किसी भी कारण संस्थान छोड़ने से कम 5 साल तक निरंतर नौकरी की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल 1997 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले शैक्षणिक संस्थाओं पर भी लागू किया गया था। ऐसे में अधिनियम निजी स्कूलों पर भी लागू होते हैं। कई हाईकोर्ट में केस हारने के बाद निजी स्कूल ने 2009 के संशोधन को देश के शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। स्कूलों का कहना था कि वे शिक्षकों को ग्रेच्युटी देने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है। स्कूलों के तर्क को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि ग्रेच्युटी का भुगतान निजी स्कूलों द्वारा देने वाला कोई इनाम नहीं है, यह उनकी सेवा की न्यूनतम शर्तों में से एक है। प्राइवेट स्कूलों का यह तर्क कि उनके पास शिक्षकों को ग्रेच्युटी देने की क्षमता नहीं है पूर्व रूप से अनुचित है। सभी प्रतिष्ठान पीजी अधिनियम सहित अन्य कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य है। देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बड़ी कमी की गई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई कमी नहीं हुई है, इससे होम किचन पर इसका कोई खास परिणाम नहीं होगा। 1 सितंबर से दिल्ली में इंडियन के 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर में सिलेंडर के दाम 91.50 रुपए, कोलकाता में 100 रुपए, मुंबई में 92.50 रुपए, चेन्नई में 96 रुपए कम में मिलेगा। 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर पुराने दामों पर ही मिलेगा। बता दें कि देश की गैस कंपनियां हर माह की 1 तारीख को गैस सिलेंडर के दाम तय करती है। 1 अगस्त को भी कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 36 रुपए की कमी की गई थी। कमर्शियल एलपीजी गैस का इस्तेमाल अधिकतर होटलों, खानों पीनों की दुकानों आदि में होता है, इससे उन्हें दाम में कमी से बड़ी राहत मिलेगी। यह लगातार 4th महीना है जब कमर्शियल गैस के दाम घटे हैं, जबकि 1 अप्रैल को इस सिलेंडर के दाम 249.50 रुपए बढ़ाए गए थे। वही देश में घरेलू सिलेंडर की कीमत में जुलाई के बाद से कमी नहीं की गई है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 1053 रुपए में, कोलकाता में 1079 रुपए में, मुंबई में 1052 रुपए में तो चेन्नई में 1068 रुपए में मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में राहत जहां से भी मिले अच्छी बात है। बेतहाशा कीमतों के कारण होटल व्यवसाय में ग्राहक की अपेक्षाकृत काफी कम हुई है, यह बड़ी आर्थिक चोट है। उत्तराखंड के गांव से युवाओं का पलायन एक बड़ी समस्या है। हालात इतने बुरे हैं कि कई गांवों में तो केवल कुछ बुजुर्ग ही रह गए हैं। ऐसे गांव भूतहा गांव कहलाने लगे। बुजुर्गों की देखभाल भी एक बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में बागेश्वर जिले के लीती गांव की 30 महिलाओं ने एक अनोखा प्रयास किया है। इन महिलाओं ने होम स्टे की शुरुआत की है। होम स्टे यानी पर्यटक यहाँ आकर रहे और यहाँ के भोजन रीति रिवाज का आनंद ले, वह भी खाली स्थानीय तरीके से। कंसेप्ट काफी मशहूर हुआ। जब होम स्टे में मेहमानों की रौनक बढ़ी तो घर छोड़कर बाहर कमाने गए युवा भी वापस लौटने लगे। कोरोना महामारी के दौरान होम स्टे उन लोगों के लिए वरदान साबित हुए जो शहर के प्रदूषण और संक्रमण से दूर प्रकृति के आसपास आइसोलेशन में रहकर वर्क फ्रॉम सुविधा का लाभ उठा रहे थे। लीति में होम स्टे चलाने वाली महिलाओं ने बताया कि उनके गाँव में होम स्टे की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। पहले पहल 6 महिलाएं आगे आई, उन्होंने अपनी जमा पूंजी से यह काम शुरू किया। धीरे धीरे जब ये चल निकले तो और महिलाओं ने भी इस उदाहरण अपनाना शुरू कर दिया। फिलहाल औसतन 1 महीने से 1 दर्जन टूरिस्ट एक होम स्टे में ठहरने आते हैं। अब तो सरकार भी होम स्टे के लिए लोन देने लगी है। इसमें 50% एक अनुदान भी होता है और बाकी के लोन के बैच में 50% की छूट दी जाती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात NIA ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके डी कंपनी गैंग से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने पर नगद इनाम देने की घोषणा की है। इसमें अकेले अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के लिए NIA ने 25 लाख के इनाम की घोषणा की है। NIA ने कहा कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी हथियारों, विस्फोटकों, ड्रग्स और नकली भारतीय मुद्रा नोट की तस्करी में शामिल है। भारत में भी इसकी इकाई है। इस कंपनी के तहत ही वह पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर आतंकवादी हमले की प्लानिंग करता है। एक अधिकारी ने बताया एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम के भाई अनिस इब्राहिम उर्फ हाजी अनिस के लिए भी इनाम की घोषणा की है। इसके अलावा उसके करीबी सहयोगी जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना, शकील शेख उर्फ छोटा शकील और इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रजाक मेनन उर्फ टाइगर मेनन
के लिए भी इनाम की घोषणा की है। एजेंसी ने छोटा शकील के लिए 20 लाख रुपए और अनिस चिकना और मेनन के लिए 15-15 लाख रुपए की घोषणा की है। एजेंसी का ऐसा दावा है कि दाऊद पाकिस्तान के कराची में है। 1993 में मुंबई सीरियल विस्फोटों सहित भारत में कई आतंकी गतिविधियों के लिए वंचित दाऊद इब्राहिम पर पहले से ही $25 मिलियन का इनाम है। 2003 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस इनाम की घोषणा की थी। थाईलैंड की एक महिला यूट्यूबर अपने फैंस के करीब 400 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई। कंपनी में निवेश का उसने झांसा दिया था, तो संयुक्त राष्ट्र ने चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में चीन पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप है। वहीं पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री मार्टा टेमिडो ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की वजह एक भारतीय गर्भवती महिला की मौत बताई जा रही है। तो उधर पाकिस्तान अब तक के इतिहास के सबसे भीषण बाढ़ संकट से जूझ रहा है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि पाकिस्तान में बाढ़ से 100 किलोमीटर चौड़ी झील बन गई है। इसी बीच सऊदी अरब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। महिला के बाल पकड़कर उसे घसीटा गया और लातों घूसों से मारा गया। दुनिया भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थाईलैंड की एक महिला यूट्यूबर ने अपने फैंस को अपने जाल में फंसाया और उनके करीब 400 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई। थाईलैंड की इस महिला का नाम नथामोन खोंगचाक है और ये काफी समय से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब पर वीडियो डालती रही है। देखते ही देखते इस महिला के चाहने वाले बढ़ते गए और अच्छी खासी संख्या में फॉलोअर्स हो गए। धीरे धीरे ये महिला अपने फॉलोअर्स से संवाद भी करने लगी। एक दिन इसने ऐलान किया कि उसका एक इन्वेस्टमेंट कंपनी से संबंध है और वो अपने फैंस के पैसे इन्वेस्ट करके उन्हें फ़ायदा पहुंचाएंगी। इसके बाद महिला ने फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग स्कैम के जरिए हजारों फॉलोअर्स को अपने जाल में फंसा लिया। थाई मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 6,000 से ज़्यादा लोगों ने इस महिला को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दिए थे। फॉलोअर्स को 35% तक के रिटर्न का वादा किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला को कुल मिलाकर करीब 400 करोड़ रुपए वापस करने थे। फिर अचानक एक दिन महिला यूट्यूबर अपने सारे अकाउंट्स बंद करके गायब हो गई। उनके फैंस को जब ये पता चला कि वो अब दिख नहीं रही है तो सब चौंक गए। थाईलैंड पुलिस के एक यूनिट ने पिछले हफ्ते धोखाधड़ी के मामले में नथामोन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। अब तक इस मामले में 102 शिकायतें दर्ज की जा चुकी है। चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार को लेकर संयुक्त राष्ट्र की जिस रिपोर्ट का लंबे समय से इंतजार हो रहा था वो जारी हो गई है। रिपोर्ट्स में यूएन ने चीन पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में उइगर मुस्लिमों और दूसरे एथनिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। हालांकि चीन इससे इनकार करता रहा है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र से रिपोर्ट को जारी नहीं करने की गुजारिश की थी। उसने पहले ही इसे पश्चिमी ताकतों का तमाशा करार दिया था, जबकि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि डिटेंशन सेंटरों में कैदियों को यातनाएं दी जाती है, जिनमें यौन उत्पीड़न और लिंग आधारित हिंसा भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने चीन से अपील की है कि वो अवैध और मनमाने तरीके से कैद किए गए सभी लोगों को तत्काल रिहा करे। मानवाधिकार समूहों का भी अनुमान है कि अकेले नॉर्थ ईस्ट चीन के शिनजियांग प्रांत में 10 लाख से ज्यादा लोगों को डिटेंशन सेंटरों में कैद करके रखा गया है और वहां उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाती है। शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों पर चीन के अत्याचार को कई देश नरसंहार बता चुके हैं। हालांकि चीन इन आरोपों का खंडन करता आया है। वो कैदी शिविरों को आतंकवाद से लड़ने का औजार बताता है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट को चीन पहले ही देख चुका था और उसने इसे जारी नहीं करने की गुजारिश की थी। पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री मार्टा टेमिडो ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की वजह एक भारतीय गर्भवती महिला की मौत बताई जा रही। हालांकि महिला का नाम अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक 34 वर्षीय गर्भवती भारतीय महिला की कार्डियक अटैक से मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स ने ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर उसे अस्पताल शिफ्ट करने में देरी हुई होती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। उसके बाद पुर्तगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे और मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सवाल उठाया जाने लगा कि अगर राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाओं कि ये हालत है तो दूर दराज के इलाके की स्थिति कैसी होगी। इसके बाद मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। 48 वर्षीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ मार्टा टेमिडो 2018 से पुर्तगाल में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बनी हुई थी। कोरोना महामारी के दौरान उनके कामों को लेकर खूब प्रशंसा भी हुई थी। वह केंद्र वाम समाजवादी सरकार के सबसे लोकप्रिय चेहरे में से एक बताई जाती है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण प्रसूति विभागों सहित सार्वजनिक अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं के अस्थायी रूप से बंद होने के कारण कई महीनों से
मार्टा गंभीर दबाव में थी। प्रधानमंत्री एंटोनिया कोस्टा ने कहा कि उन्होंने मार्टा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने मार्टा को उनके काम, विशेषकर कोरोना काल में बेहतरीन काम करने के लिए धन्यवाद दिया। पाकिस्तान अब तक के इतिहास के सबसे भीषण बाढ़ संकट से जूझ रहा है। देश के एक तिहाई हिस्से जलमग्न हो चुके हैं। हजार से अधिक लोगों की जानें जा चुकी, वे लाखों पशुओं की मौत हो चुकी है। इसी बीच एक सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिसे देख पड़ोसी देश में आई भीषण बाढ़ की भयावहता का अंदाज लगाया जा सकता है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि पाकिस्तान में बाढ़ से 100 किलोमीटर चौड़ी झील बन गई है। नासा द्वारा जारी तस्वीर के बीचों बीच गहरा नीला रंग दिखता है। यह नीला रंग ही वह 100 किलोमीटर चौड़ी झील का हिस्सा है, जो सिंधु में आई बाढ़ की वजह से बन गया है। इस इलाके में किसान फसल उपजाया करते थे। भीषण आपदा का सामना करने में मुश्किलों से जूझ रहे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। कई देशों से सफलता भेजी जा रही है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने वाले मुख्य राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मानसून की शुरुआत से अभी तक पाकिस्तान में 1162 लोगों की मौत हो चुकी है। वही इस बाढ़ के कारण 3,554 लोग घायल हुए हैं और करीब 33 मिलियन लोग जून के मध्य तक इससे प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण 3,554 लोग घायल हुए हैं। प्राधिकरण ने कहा कि करीब 9,99,871 घर पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे लाखों लोग भोजन और स्वच्छ पेयजल आदि से वंचित हो गए हैं। सऊदी अरब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। महिला के बाल पकड़कर उसे घसीटा गया और लात घूंसों से मारा गया। इस वीडियो के लीक होने के बाद पूरी दुनिया में जमकर गुस्सा देखा जा रहा है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के निशाने पर फिर से आ गए हैं। उनका कहना है कि प्रिंस के राज में लगातार सऊदी अरब में उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक अनाथालय का है। सऊदी सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस वीडियो को लेकर एक महिला ने ट्विटर पर पोस्ट किया था, जिसने इस हमले को रिकॉर्ड किया था। वीडियो में नजर आ रहा है कि वर्दी पहने दर्जनों पुरुष पुलिसकर्मी एक महिला का पीछा कर रहे हैं। इसके बाद वे उसे पकड़ लेते और लाठी तथा बेल्ट से जमकर पिटाई करते हैं। बताया जा रहा है कि यह अनाथालय खमीस मुशेत इलाके में स्थित है, जो असीर प्रांत का हिस्सा है। यह राजधानी रियाद से 884 किलोमीटर दूर है। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रांत के गवर्नर तुर्की बिन तलाल ने आदेश दिया है कि एक कमेटी बनाई जाए और सभी पक्षों की जाँच की जाए। तो वीकेबी न्यूज़ के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।